हरे गोविंद जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय Thank you.
चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमः महाबदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदावे तुलसी दिव्य प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। कथकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कैसे गया में गए और गुरु जी के चरण में कैसे आत्मसमर्पण करते हुए गुरु जी से कैसे उन्होंने दीक्षा मंत्र को उन्होंने ग्रहण किया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर ये जीवों को कल्याण जीवों को शिक्षा देने के लिए यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है बोले कृष्ण बंदे जगत गुरु वो जगत गुरु है। लेकिन जगत गुरु होते हुए भी उन्होंने जीवन में गुरु ग्रहण उन्होंने किया है। कृष्ण भी जगत गुरु है लेकिन जब श्री ब्रज में थे सांडिल्य ऋषि उनके गुरु थे और श्री मथुरा में जब गए कहते उनको श्री गर्गाचार्य उनको कुल पर रहते श्री गर्गाचार्य है। पढ़ने के लिए जब गए तो उनसे शांतिपन्न मुनि को उन्होंने अपना शिक्षा अपना पढ़ा पढ़ने का गुरु उन्होंने उनको बनाए थे उन्होंने। इसलिए ये भगवान राम भी श्री वशिष्ठ जी को अपना गुरु रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उसी तरह श्री ईश्वरपुरी पाद को उन्होंने गुरु रूप में ग्रहण करके जीव जगत को शिक्षा देते हैं। हिंदी में कहते हैं ना बिनु गुरु भव निधि तर इन कोई बिनु गुरु भव निधि तर इन कोई जो बिरिंचि सा कर सम होए जो बिरिंचि सा कर सम होए बिनु गुरु भव निधि
प्यारा के न कोई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा शंकर जी के बराबर भले ही कोई हो जाए, जीवन में अगर कोई सदगुरु ग्रहण नहीं करते हैं कति भवसागर से जीव कभी तर नहीं सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बंधो गुरु पद पदो परागा, बंधो गुरु पद पदो परागा, सुरोची सुवास सरस अनुरागा, सुरोची सुवास सरस अनुरागा। इसलिए बंधो गुरु पद पद्म परागा, इसलिए गुरु जी के चरण को उन्होंने कमल को साथ में उदाहरण दिया है। हैं क्या श्लोक है तुम लोग जो याद करते ना श्लोक? नारायण बोलो बोलो श्लोक क्या है? इसलिए जैसे कमल फूल पानी के अंदर में भी कमल फूल खिलता है, लेकिन किस चीज को पानी में अंदर में छोड़ दो ना क्या होता है? सड़ जाएगी। सूरज का किरण से कमल फूल खिलता है, लेकिन सूरज का किरण से क्या होता है? हर चीज जल करके राख बन जाती है। लेकिन ये कमल फूल पानी को अंदर में रहते हुए भी कहते क्या करता है? पानी उसको सड़ाती नहीं, सूरज उसको जलाती नहीं, उसको विकसित कर देती है। बोले क्यों? चूंकि कमल जो नाड़ है वो लगा हुआ मिट्टी में लगा हुआ, वो मिट्टी में लगा हुआ है। कहते उसी तरह जब तक हम श्री गुरु जी के चरण में हम लोग लगे रहेंगे तब तक क्या होगा? संसार में रहते हुए भी हम खिले हुए रहेंगे। संसार रूपी जो दावा नल है वो हमें जला नहीं सकती है, वो हमें खिला करके रहेगी, वो हमें खिला करके रखेगी। इसलिए गुरु जी, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर श्री गुरु जी के चरण को उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। एक छोटी सी स्टोरी सुन लो। बोले एक समय एक पानी में एक चिड़िया रहता है काला रंग का, वो पानी को अंदर में डूब करके वो मछली को पकड़ता है। वो मछली को पकड़ कर खाता नहीं, वो ऐसे फेंकेगा, फेंक करके फिर उसको दो बार पकड़ेगा, फिर जा कर खाएगा। उसको ये एक नीति है। एक व्यक्ति ने उसको देखा, बोले वाह इसका तो लक्ष्य बड़ा अचूक है, ऐसे मछली को ऊपर फेंकेगा, फेंक करके फिर ठीक से पकड़ करके उसको खाएगा। उन्होंने उसी से ही ये कला को उन्होंने सीख लिया। उसने क्या किया, एक लकड़ी की चाकू बनाया और ऐसे ऊपर में फेंक करके उसको पकड़ता है, और उसको प्रैक्टिस करते करते जब बहुत अच्छे तरह से वो प्रैक्टिस कर लिया, अभी वो लोहे की चाकू बनाया उसको भी ऐसे ऊपर फेंक करके फिर मुंह में उसको पकड़ लेता है। जब बहुत अच्छे तरह से उसने प्रैक्टिस कर लिया, उसको अपना जीविका में अपना धंधा में लगा दिया, अपना जीविका अर्जन में लगा दिया। जहां पर देखता है बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, वहां पर बड़े जोर से बाजा बजाएगा। जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे क्या करेगा? फिर वो चाकू को ऐसे फेंकेगा जोर से, फिर उसमें दांत में पकड़ेगा। लोग तो देख करके बड़े बाहवा देते हैं। एक व्यक्ति ने कहा गजब है तेरे गुरु जी, गजब है तेरे गुरु जी जिसने तुमको ये विद्या सिखाया। बोले गुरु जी से थोड़ी मैंने सीखा है, मैं अपने आप प्रैक्टिस करते करते अपने आप सीख गया। लेकिन उसको गुरु जी कौन थे? वो चिड़िया से सिखा है। एक व्यक्ति ने कहा भैया और एक बार दिखाओ तो, बड़ा सुंदर दिखाते हो। इतने में उसने फेंका, फेंक करके जब पकड़ने के लिए गया ना, उसका लक्ष्य चूक गई और सीधा नाक ऊपर गिरा, और नाक ऊपर गिरते नाक उसका कट गया है। बोले क्यों? बोले अभी तक उसने गुरु जी को कोई अपमान उन्होंने नहीं किया था, गुरु जी का नेगलेक्ट नहीं किया, इसलिए उसको कार्य सक्सेसफुल होता था। लेकिन यद्यपि चिड़िया से सीखा है, लेकिन उसने क्या किया? बोले थोड़ी गुरु जी से हमने सीखा है, अपने आप हमने सीख गया, इसलिए उसको नाक ही कट गई। इसलिए यहाँ पर सिखा देते हैं, हाँ? कहते हैं हर समय क्या होनी चाहिए, हमें ऋणी रहनी चाहिए, हमें हर समय ऋणी बननी चाहिए, हैं? कृतज्ञता बननी चाहिए। इसलिए बोले कृतज्ञता से जगत में बड़ा पुण्य जगत में कुछ नहीं, और अकृतज्ञ से जगत में बड़ा पाप जगत में कुछ है ही नहीं। इसलिए जिससे हमें भक्ति मिलता है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है,
हर समय उनका आदर हमें करने चाहिए हैं। इसलिए यहाँ पर श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इन्होंने जीवन में गुरु ग्रहण करते हुए जगत को ने गुरु ग्रहण करनी चाहिए ये चीज को उन्होंने सिखा दिया है। लेकिन जब गुरु जी से उन्होंने दीक्षा मंत्र प्रदान किया उसके बाद में बोले तबे प्रभु प्रदक्षिणा करिया पुरी रे, प्रभु बोले देह आमी दिलाम तुम्हारे, हे न शुभ दृष्टि तुमी कर हमारे, जेन आमी भासे कृष्ण प्रेम रसागरे। कहते हम जो गुरु चरण में आश्रय लेते हैं क्यों लेते हैं? साधारण लोगों का जो कुछ धारणा है, जिन लोगों ने वैष्णव चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं किया, शुद्ध भक्तों का संग नहीं किया, साधारण लोगों को मन में धारणा इसलिए हम गुरु जी का ग्रहण करते हैं, गुरु जी करने से हमें खूब रुपया पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, दुकान मकान सब बढ़िया रहेगा है, संसार में धर्म अर्थ और काम सब इच्छा हमारे खूब संसार का विषय को हम भोग करेंगे और हमें मुक्ति तक भी मिल जाएगी, हमें मुक्ति तक भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहते बोले नहीं, जो गुरुजी ये चतुर्वर्ग से ऊपर एक वर्ग है जिसको पंचम वर्ग कहते हैं, बोले क्या है? बोले कृष्ण प्रेम। इसलिए भागवत में क्या बताए, धर्म प्रोजित कैतव अत्र, इसलिए धर्म प्रजित, प्रजित मतलब क्या, पूर्ण रूप में भागवत से ये धर्म अर्थ और काम, धर्म धर्म करके अर्थ कमाओ उसको तरह काम को भोग करो, कहते यहाँ तक भी जो मुक्ति को भी जो चतुर्थ पुरुषार्थ जो जो मुक्ति है कहते उसको भी संपूर्ण रूप में वहां से निकाल दी गई, केवल वहां पर शुद्ध कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम को ही वहां पर बताया गया है। इसलिए गुरुदेव हमें क्या प्रदान करते हैं, इसलिए गुरुजी इसलिए नहीं कर ग्रहण करते, इसलिए गुरुजी की गुरुजी कह रहे थे कभी कभी कोई कोई शिष्य गुरुजी की सेवा करते हैं भले उनका नजर कहां पर, उनका गुरुजी के पकेट में रहता है, गुरुजी की पकेट में, गुरुजी के पास में कितना पैसा आता है कि गुरुजी जब जाएंगे ना ये जितने दुकान मकान गुरुजी बना करके जा रहे हैं है? जितने मठ मंदिर उसी ताक में रहते हैं, गुरुदेव कब चले और ये सारे संपत्ति जो बना करके गुरु जी गए ना, बस इसके ही मैं मालिक एक दिन इसका मैं बन जाऊंगा, नहीं कभी ये चीज में कभी हमें नजर नहीं देनी चाहिए। अगर ये चीज में नजर देंगे फिर तो हमें कभी कृष्ण प्रेम कभी जिंदगी में नहीं मिल सकती, फिर गुरुदेव हमें हाँ अंगूठा दिखा देंगे, गुरुदेव हमें जैसे यात्रा क्या होता है जो खिलौना, खिलौना जैसे बच्चों को खिलौना दिखा करके ना क्या करते उसको भुला देते हैं, खिलौना दिखाकर उसको भुला देते हैं, ऐसे गुरुदेव हमें ये वस्तु दे करके हमें भुला देंगे, लेकिन जो असली जो चीज देना चाहते हैं गुरुदेव क्या देना चाहते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं श्री महाप्रभु स्वयं जगत गुरु रूप में गुरु जी की चरण में क्या कह रहे हैं, बोले हे गुरुदेव, उन्होंने गुरुदेव को उन्होंने प्रदक्षिणा किया, प्रदक्षिणा करते हुए बोले प्रभु ये जो शरीर है आज से मैं आपका श्री चरण में प्रदान करता हूँ, बोले किस लिए, बोले हे न शुभ दृष्टि तुम्हें करो हमारे, हमारे ऊपर में अब शुभ दृष्टि करो, बोले क्या शुभ दृष्टि, बोले जेनो आमी भासी कृष्ण प्रेमेर सागरे, बस गुरु जी केवल इतना ही दो, जैसे एक दिन हम कृष्ण प्रेम सागर में हम डूब सकते हैं, बोले गुरुदेव भी कल्प बांछा कल्प तरुर्भस्य कृपा सिंधु भय वच पतितानंग पावने भो वैष्णव भो नम नम। इसलिए कहते गुरु कल्पतरु बांछा कल्पतरु, वैष्णव लोग गुरुदेव ये बांछा कल्पतरु, इसलिए शिष्य जो चाहता ना बोले मेरे सेवा इसलिए कर रहे हैं ना, ये दुकान मकान और मठ मंदिर का मालिक लो यही चीज बोले कर लो, भक्ति नहीं देंगे, इसलिए जोर जबरदस्ती कभी भी गुरु जी की संपत्ति के ऊपर में कभी भी उसको ऊपर नजर नहीं रखनी चाहिए, गुरुदेव जो असली चीज हमें जो देना चाहते हैं हमें नजर वहां पर रहनी चाहिए, वहां पर भक्ति में नजर रहनी चाहिए, और जिसको भगवत भक्ति जिसको अंदर में आ गए ना, जस्यास्ते बोलो जस्यास्ते भगवत भक्ति अकिंचनात् सर्व गुणैस्तत्र समासत सुरा,
जिसका अंदर में भगवान की भक्ति आ गई ना, और जितने सारे गुण हैं पृथ्वी का, जितने सारे वैभव है, उसको पीछे 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 अपने आप ढूंढते रहेगी। जैसे रानी चले ना, उसको पीछे पीछे जितने नौकरानी सबके सब अपने आप चलते रहेगी है। जैसे भक्ति, उसी तरह अगर भक्ति धन में धनी बन गई तो फिर तो सारे धन में धनी बन जाएंगे। अगर असली चीज नहीं मिला फिर नकली चीज में नजर है, फिर तो जिंदगी भर नकली नकली को पीछे हम घूमते रह जाएंगे, असली चीज हमें नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी गुरु जी की जो बाहरी वस्तु को नजर नहीं दे करके उनका जो हृदय की जो धन है, कृष्ण प्रेम है, उसमें हमें ध्यान देनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं भासी जन आम कृष्ण प्रेम रे सागरे। इसलिए गुरु जी हमें केवल एक ही वस्तु दो, जैसे हम जिंदगी में कृष्ण प्रेम रस सागर में जैसे हम गोता लगा सके, यही जीवन का एक परम लक्ष्य है। इसलिए गुरु श्री ईश्वर परिपाद उन्होंने क्या दिया, उन्होंने हैं, इसलिए उन्होंने उनको जो उनको गुरु जी से जो मिला था, किससे, श्री माधवेंद्र परिपाद से जो भक्ति है, जो प्रेम धन मिला था, उन्होंने उसी धन को श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने प्रदान किया है, और महाप्रभु जीवन धन्य हो गया। और कहते वहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी को पर कृपा करने के लिए महाप्रभु ने गया में गए थे, और वहीं पर रह करके उन्होंने ईश्वरपुरी पाद को पर उन्होंने कृपा किया है। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री ईश्वरपुरी पाद की जय। अभी उसको बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु जब गया से महाप्रभु वापस आए, उस समय में महाप्रभु थे पंडित निमाय, थे पंडित निमाय। क्यों? ऐसे महाप्रभु स्वयं टीचर थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे। एक दो महीना अगर महाप्रभु के पास में कोई पढ़ लिया ना, बड़े बड़े विद्वान बना देते थे महाप्रभु, बड़े बड़े विद्वान महाप्रभु के ऐसे पढ़ाई था है। भगवान स्वयं जिनको पढ़ा रहे, कोई साधारण बात है, कोई साधारण बात नहीं। अभी बोले आत्म प्रकाश आसी हईल समय, दिने दिने बड़े प्रेम भक्ति रिजय। अभी महाप्रभु सोच रहे हैं, अभी धीरे 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 धीरे, अभी तक वो हम थे पंडित निमाय, अभी धीरे धीरे हम अपना आत्म प्रकाश को हमें धीरे धीरे करनी चाहिए। महाप्रभु कौन है, किस लिए जगत में आए थे, महाप्रभु का असली स्वरूप क्या है। अभी महाप्रभु सोच रहे हैं, अभी ये समय आ गया धीरे धीरे हम अपना को प्रकाशित करें हैं, और दिने 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 कैसे भक्ति जागृत हो हृदय में। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक भक्त चरित्र को अवलंबन करते हुए, महाप्रभु कौन है, कृष्ण स्वयं, लेकिन वो आए क्यों जगत में, राधा जी की भाव अंकांत लेकर के आए। क्यों? राधा रानी कैसे मेरी प्रेम का आस्वादन करती, और मेरे प्रेम को आस्वादन करते हुए उनको क्या आनंद मिलता है, ये चीज को आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। इसलिए महाप्रभु अभी एक भक्त लीला की, इसलिए कहते हैं साधु पावा बड़ा कष्ट जीवे रे जानिया, कृष्ण गुरु रूपे कृष्ण आयला न दिया है, कृष्ण गुरु रूपे आयला न दिया। इसलिए बोले जगत में साधु मिलना बड़ा कठिन है, कलयुग में साधु मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए साधुओं का चरित्र कैसे होनी चाहिए, ये आदर्श को शिक्षा देने के लिए स्वयं कृष्ण एक साधु रूप धारण करते हुए उन्होंने क्या किए, हरे कृष्ण। इसलिए कहते हो के साधु रूप धारण करते हुए आए, और उन्होंने जगत में शिक्षा दिया साधु का जीवन चरित्र कैसे होनी चाहिए। इसलिए भक्त चरित्र को अभिनय करते हुए महाप्रभु हैं। अभी महाप्रभु धीरे 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 अपना आत्म प्रकाश कर रहे हैं, उसको दे दो, हरे कृष्ण दे प्रभु। हरि बोल, हरे कृष्ण। और नीड चला गया, नीड चला गया, और नीड चला गया।
जोरे टाइम होने व्यक्ति के तब मैं तो बस जोर करते हैं हरे कृष्णा, मैं तो ये पेज ना खराब हो जाएगा। बस सचिनंदन गौर हरि की जय। अभी धीरे धीरे श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विभावित तो होकर के महाप्रभु एक दिन अपना इष्ट मंत्र को जप कर रहे थे। जब मंत्र को जप कर रहे थे, हमारी मंत्र क्या है, उनको गुरुदेव ने दशाक्षर मंत्र उनको प्रदान किया है, जिसमें श्री गोपीचंद वल्लभाय स्वामी मंत्र प्रदान किया। अभी एक दिन महाप्रभु ने अपना गुरु जी के मंत्र को जप कर रहे थे। ये जो मंत्र है ये मंत्र स्वयं साक्षात भगवान है, ये मंत्र और कोई नहीं है, ये मंत्र साक्षात श्री ठाकुर जी है। जब हम लोग ये मंत्र को ठीक ठीक से हम जप करेंगे मंत्र को, एक दिन मंत्र ये स्वयं अपना रूप को प्रकाश करता है, अपना नाम रूप गुण लीला अपने आप। जैसे हम लोग गोपाल मंत्र, उसमें कृष्ण है, गोविंद है, गोपी जन वल्लभ उसमें है, इसलिए एक समंग देव, एक अभिघ है और एक प्रयोजन है। इसलिए ये मंत्र जब करते करते ये मंत्र एक दिन अपना स्वरूप को प्रकाश करता है। एक दिन महाप्रभु ये मंत्र को जप कर रहे थे, मंत्र जप करते 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 इतने में ये मंत्र का जो अधिष्ठात्री देवता एक दिन साक्षात रूप में हृदय में प्रकट हुआ। जब उन्होंने प्रकट हुआ, और विशेष करके हमारे गौड़ीय संप्रदाय में जो मंत्र और गौड़ीय संप्रदाय का जो आराध्य देव कौन है, हमारी जो लक्ष्य है, लक्ष्य श्री गोपीचंद वल्लभाय बस, इसलिए कहते ये गोपीचंद वल्लभ हमारी श्री जीवन का जो लक्ष्य है, इसलिए कहते हैं महाप्रभु गोपी भरतो पद कमल हो दास दासानो दास। हम लोग कौन है, हम लोग गौड़ीय संप्रदाय का लोग, हम सबके सब श्री राधा जी की चरण की सेवा हम करना चाहते हैं, राधा रानी के अनुगत्य में गोपी भाव से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। और महाप्रभु यही हैं स्वभक्ति श्रीयम, अपना भक्ति का जो श्री है, मतलब जो राधा जी के अनुगत्य में श्री हैं श्री श्याम सुंदर को सेवा करना चाहते हैं। कहते एक दिन उन्होंने मंत्र की जो अधिष्ठात्री देव के हृदय में प्रकट हुई महाप्रभु हैं, महाप्रभु तो उसी विरह में, महाप्रभु तो प्रेमाश्रु, महाप्रभु का आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते और उसको द्वारा पूरा के पूरा महाप्रभु स्नान कर लिए प्रेम में। और यहाँ पर बता रहे हैं, कहते हैं जो रस है, कहते दो, कहते एक विप्रलम्भ और एक संयोग, कहते एक विप्रलम्भ और एक संयोग। भगवान की जो उपासना ये दो भाव से होता है, एक विरह रस और एक मिलन रस, संयोग रस। लेकिन महाप्रभु जगत में उन्होंने जो प्रदान किया, किस चीज को महाप्रभु प्रदान किया, महाप्रभु श्री विप्रलम्भ रस की उन्होंने सिखा दिया। विप्रलम्भ मतलब होता है विरह, विरह महाप्रभु सिखा दिया। कहते भैया विरह में क्या होता है, मिलन में क्या होता है। कहते मिलन में जैसे एक व्यक्ति दूसरे से व्यक्ति से मिलते हैं, मिलन से ऊपर ऊपर से तो मिलते हैं लेकिन अंदर से खोते हैं, लेकिन विरह से। जैसे पति पत्नी घर में रह रहे हैं, पति पत्नी घर में रह रहे हैं, वो जब चाहे तभी मिल सकते हैं, हाँ उसमें कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अगर पति अगर बाहर रहता है ना, साल दो साल पाँच साल में कभी आए ना, पत्नी क्या करती है, दिन भर चिंता करती है, कब आएंगे, पत्र नहीं आया, फोन नहीं आया, दिन भर उसकी चिंता में डूब जाती है। इसलिए बोले जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्णस्पुर। विरह में क्या होता है, जहाँ उनकी आंखें पड़ता है सर्वत्र सर्वत्र कृष्ण 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 कृष्ण, सर्वत्र उनका मूर्ति, सर्वत्र उनको स्फूर्ति प्राप्त होता है। लेकिन मिलन में केवल एक सामने सामने मिलते हैं, सामने सामने मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते विप्रलम्भर जो भक्ति है ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति, जो विरह रस ये सर्वश्रेष्ठ रस, महाप्रभु ये चीज को शिक्षा देने के लिए चाहते हैं। जैसे कहते विरह रस में क्या होता है, जैसे राधा रानी कहाँ पर, श्री
प्रेम सरोवर में राधा रानी कृष्ण की गोद में बैठे हुए। जब बैठे हुए इतने में एक राधा रानी अपना गले में एक सुंदर कमल फूल की माला पहनी हुई थी और एक मधुकर मधुमक्खी अभी वो कमल फूल में बैठना चाहता है। इतने में राधा रानी जब हटाना चाहती है, राधा रानी भी पद्मिनी है, कहते एक स्त्री जाती है जो पद्मिनी, पद्मिनी मतलब जिनकी शरीर से कमल फूल का खुशबू निकलती है। अभी राधा रानी जब उसको हटाना चाहती है, वो हटेगा क्या? क्योंकि राधा रानी के शरीर से कमल फूल का खुशबू निकलता है, वो मधुमक्खी और ज्यादा पास में आ रहा है। इतने में कृष्ण ने कहा, मधुमंगल ये भौंरा जो मधुमक्खी ये बड़ा तंग कर रहा है, उसको तुम खदड़ा दो, यहाँ से भगा करके आओ। मधुमंगल एक लठिया लेकर के उसको भगाते भगाते बड़ी दूर में उसको भगा करके आ गया। आ करके बोले बोले देखो कृष्णा, मैंने मधुसूदन को, मधुमक्खी का नाम भी एक मधुसूदन, क्यों जो भक्त जो जो पुष्प की मधुओं को जो आस्वादन करते हैं, ग्रहण करते हैं, और कृष्ण का नाम भी एक मधुसूदन है, भक्त रूपी प्रेम मधु को जो आस्वादन करते हैं। जब बोले मैं तो मधुसूदन को इतना दूर मैंने भगा करके आ गया, मधुसूदन को नहीं आ सकता। बस इतना सुनते ही राधा रानी बैठी हुई कृष्ण की गोद में, कहते विप्रलंब रस को समझा रहे हैं, कहते विप्रलंब रस क्या है, कहते कृष्ण की गोद में राधा रानी बैठी हुई, बोले मधुसूदन को इतना दूर भगा करके आ गया और मधुसूदन नहीं आ सकते हैं, मधुसूदन से मैं मिल नहीं सकती हूँ। वो गोद में बैठी हुई और वहीं पर राधा रानी हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करते करते वहीं पर राधा रानी बेहोश हो गई। अभी कृष्ण ने देखा राधा रानी मेरे गोद में बैठी हुई है, गोद में बैठी हुई, लेकिन इतनी बात सुन करके बेहोश हो गई। लेकिन जब मेरे गोद में बैठी हुई, कभी यही जो रस है, कभी यही विप्रलंब रस है, इसलिए कहते हैं अभी कभी जब मैं नहीं रहता हूँ, राधा रानी क्या करती है, कहते मेघ को देख करके ना, वो मेघ को साथ में बात करती है, मेरे को मान करती है, तमाल वृक्षों को देख करके उसको आलिंगन करती है, मेरा स्वरूप मान करके आलिंगन करती, उससे बात करती, मेघ से मोर पंखा देख करके मूर्छित हो जाती है। और मैं जब नहीं रहता हूँ उस समय तो राधा रानी मेरे चिंतन करते 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 एकदम जब अंतर दशा में पहुंचती हैं, पहुंच करके कृष्ण मेरे साथ मेरे को आलिंगन करती हैं, लेकिन मैं पास पर रहती हूँ, यदि राधा रानी की प्रेम की ऐसे वैचित्रता है, ऐसे वैचित्र जो दिव्य उन्माद चित्र जल्प अभिजल्प संजल्प जितने सब प्रेम हैं राधा जी की देख करके, तो कृष्ण ने देखा और मेरे को यहाँ ब्रज में रहना नहीं पड़ेगा, अभी ब्रज समय बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण क्या किया, मथुरा कृष्ण चले गए। लेकिन जब मथुरा कृष्ण चले जाते हैं उस समय राधा रानी कृष्ण विरह में ऐसे उन्माद दशा, और जब पूरा संपूर्ण अंतर दशा में चली जाती हैं, कहती है जैसे कृष्ण गोद में बैठी हुई हूँ और कृष्ण को मैंने आलिंगन किया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु उसी विप्रलंब, कैसे भक्ति करनी चाहिए जीवों को, विप्रलंब रस में उनको भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जो विप्रलंब रस में उसमें संपूर्ण रूप में कृष्ण के साथ में एकदम तल्लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण रे बाप रे मोरे जीवन श्रीहरि कौन दिगे गेला मोर प्राण प्राण करी चोरी। इसलिए महाप्रभु हा श्याम सुंदर तुम कहाँ गए हो, तुम कहाँ गए हो, मेरे चित्त को तुम चोरी करेंगे, तुम कहाँ चले गए हो, महाप्रभु इसी भाव से महाप्रभु रो रहे हैं। तो यहाँ पर भागवत का कुछ श्लोकों को देख करके यहाँ पर उदाहरण देते हैं, मतलब अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना अतप्यस्त मच्छक्षणा परिणा इव जुत्थपम। जिस समय कृष्ण रासलीला कर रहे थे, रासलीला करते करते इतने में राधा रानी का हो गया मान और गोपियों का हो गया सौभाग्य मान।
सौभाग्यमद मतलब क्या? सौभाग्यमद इसलिए हुआ जो एक आंख में काजल पहन कर आई थी कृष्ण को, दूसरे आंख में काजल पहना थी है? जो आधा वस्त्र पहन करके आई थी कृष्ण उसको पूरा वस्त्र पहना दिया। गले के जो हार कमर में, कमर के कर्तन गले में, कृष्ण उसको ठीक श्रृंगार कर दिया है। उनके सारे अगर नृत्य करते करते अगर पसीना निकले तो बोले पसीना पोछ लेते हैं, कभी कभी कहते थे कि थक गए हो चरण दबा दो। अभी इसको सुन करके गोपियों के अंदर में तो स्वतंत्र नायिका की भाव आ गया। स्वतंत्र नायिका मतलब अभी राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, राधा रानी का बगैर हम तो पूर्ण है, अभी राधा रानी की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इतने में गोपियां क्या देख रही थी, कृष्ण केवल हमारे पास में और किसके पास में है, लेकिन केवल राधा रानी ये देख रही थी कृष्ण मेरे पास में भी है और कृष्ण श्री सब गोपियों के पास में भी कृष्ण है। अभी राधा रानी का मान क्या मेरे सबको साथ में बराबर हो गई और गोपियों का अंतर में आ गया। सौभाग्य मतलब हमें राधा रानी की जरूरत नहीं, हम तो स्वतंत्र नायिका है। कृष्ण ने देखा भैया गड़बड़ी हो गई, यदि ये लोग तो राधा रानी को ही निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन राशेश्वरी कौन है? श्री राधा रानी। राधा रानी के बगैर रास बेकार है, यही तो श्री राशेश्वरी। अभी राधा रानी को ही अनादर करने लग गए, फिर राधा रानी को हो गया मान। अब इसको मान को मनाना पड़ेगा और इनके अंदर में जो सौभाग्य मद को भी दूर करना पड़ेगा। इसलिए क्या हुआ, कृष्ण इतने में वहीं से कृष्ण अंतर ध्यान, जब अंतर ध्यान हो गए, जब अंतर ध्यान हो गए, यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे एक पुरुष हाथी स्त्री हाथियों को छोड़ने पर क्या होता है, हाथिनिया जितना ना एकदम, जितने हाथिनिया एकदम बिलबिला जाती है, एकदम मतवाला हो जाती है एकदम सबके सब, तो उसी तरह जब कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए, इतने में ब्रज गोपियां तो कृष्ण विरह में, ब्रज गोपियां एकदम व्याकुल हो गई। ब्रज गोपियां फिर तो ब्रज गोपियां कृष्ण विरह में सबके सब उन्मादिनी होकर के कृष्ण लीला के अनुकरण करने लगते। क्या देखो मैं पुतना हूँ, है पुतना मैं हूँ, इसलिए एक बन गई पुतना और के बने कृष्ण और उसका स्तन पान कर रहे हैं। कोई गोपी कह रहे देखो अभी मैं कृष्ण हूँ गिरिराज उठा लिया हूँ, कोई कहते मैंने अघासुर को मार डाला, कोई कहते मैंने बकासुर को मार डाला, कोई कालियों के सर पर है नृत्य कर। इतने में एकदम कृष्ण चिंतन में इतने डूब गई, कृष्ण लीला के अनुकरण तक कर लिया। फिर उसको बाद में फिर उन लोगों ने कृष्ण विरह में वृक्ष को, लताओं को, पताओं को, हिरण को, सबको पूछ रहे हैं हमारी श्याम सुंदर कहीं देखो, हमारी श्याम सुंदर कहीं देखो। फिर उन्होंने कृष्ण विरह में राधा रानी जब प्राप्त हुई, फिर तो उन्होंने बैठ करके उन्होंने गोपी गीत गाए। कहते ये किसी कौन सा अवस्था में गोपी गीत गाए, कौन सा अवस्था में कृष्ण चिंता में तल्लीन हुए, विरह अवस्था। अगर कृष्ण अगर वहां से अंतर ध्यान नहीं होते ना, इनके अंदर में है, इनके अंदर में ये भाव देखने को नहीं मिलता। इसलिए इसलिए एक उदाहरण देकर समझाए कि जैसे एक ट्रेजरी हो, उसका अंदर में हीरे जवाहरात हो, लेकिन उसमें ताला बंद है, क्या करते हाथोड़ी से मार मार क्या करते ताला को तोड़ देते, तोड़ करके फिर क्या करते वहां से रत्नों को निकालते हैं। इसलिए कृष्ण ये गोपियों को इसे विरह अवस्था में क्यों छोड़े, इसलिए छोड़े थे बल्कि इनके हृदय में भी कृष्ण के प्रति जो दिव्य उन्माद, कृष्ण के प्रति जिनका जो प्रेम है, जो अद्भुत जो प्रेम है, ये दुनिया को कृष्ण दिखाना चाह रहे थे, इनके अंदर में मेरी प्रति कितना प्रेम है, इसलिए कृष्ण इनको त्याग दिए हैं, त्याग दिए। फिर ब्रज गोपियों ने विरह में कृष्ण दुख भरा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले एवं ब्रुब्राणम विरहातुरा भृशम ब्रज स्त्रिय कृष्ण विसक्त मानसा विसृज लज्जा रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदरादवेति। इसलिए जिस समय कृष्ण ये ब्रज छोड़कर कृष्ण चले जाते हैं, उस समय ब्रज गोपियां कृष्ण विरह में उन्मादिनी होकर के बोले गोविंद दामोदरादवेति, गोविंद दामोदरादवेति, गोविंद
सदाम धर्माधवती गोविंद दामो धर्माधवती हे कृष्ण हे जा तब हे सकृति गोविंद दामो धर्माधवती। इसलिए कहते विरह में गोविंद दाम द्रवित बोलते बोलते ब्रज गोपियां वही विरह में मूर्छित हो जाती हैं। इसलिए उद्धव जी जब ब्रज में कृष्ण उद्धव जी को भेजे, पहले उद्धव तो जाना ही नहीं चाह रहे, तो बोले प्रभु आपको छोड़ करके हम कैसे जाएंगे, आपको छोड़ करके हम नहीं जा सकते। कृष्ण ने कहा उद्धव जी यहाँ पर मैं केवल एक आना हूँ, जो 99% 99% हैं मैं कहाँ पर वृंदावन में हूँ, तुम बोल रहे हो आपको मैं छोड़ कर रह नहीं सकता हूँ, वहाँ जाओगे ना तो मेरे को भूल जाओगे, हैं वहाँ भूल जाओगे मेरे को, पूर्ण रूप में देखोगे वहीं पर। और जब श्री उद्धव जी ब्रज में आए, पहले तो कृष्ण उनको दृश्यमान उन्होंने वृंदावन दिखाया, उनको कृष्ण रहते समय कैसे सारे ब्रज गोपी घर घर में कैसे दधि मंथन करते हुए गोविंद धाम धर्माधवती बोल करके सबके सब कैसे ऊंचे स्वर में कीर्तन कर रहे हैं, हैं कैसे ब्रज एकदम हरा भरा ब्रज है, साठ साठ में कैसे लड़ाई कर रहे हैं, कैसे दूध दुहन कर रहे हैं, बोले पात्र लाओ बछड़ा छोड़ दो, हैं बछड़ा बछड़े कैसे फुदक रहे हैं। उन्होंने पूरा कृष्ण ब्रज में रहते हुए ब्रज कैसे पूरा हरा भरा था उनको दिखाया कृष्ण समय। फिर उन्होंने वो स्क्रीन को फिर हटा दिया तो उन्होंने दिखाया कैसे जब से कृष्ण ब्रज छोड़ कर गए, कैसे कोयल कुहू करना छोड़ दिए, मयूर केका करना छोड़ दिए, बछड़े दूध नहीं पीते, गैया घास नहीं खाते, हैं ब्रज गोपियां जहाँ के तहाँ बेहोश होकर पड़ी हुई, हैं बेहोश होकर के पड़ी हुई, कैसे श्री जब से गए कोई ब्रज में कोई चूल्हे नहीं जलाते हैं, कोई भोजन नहीं किए, पूरा रोसई घर में मकोड़े जाल बना दिए, मैया जसोदा तो बेहोश होकर पड़ी हुई, हैं बेहोश होकर पड़ी हुई, नंद बाबा तो इतने दुखी, गोपियां इतने रो रही थी जिनके आंसू आंखों से बहते हुए जाकर के जमुना में मिल रही थी, कैसे विरह। फिर गोपियों के विरहों को देखा, फिर तो जब गोपियों ने बोले हे उद्धव जी आओ हमारे स्वामिनी श्री राधा रानी की दशा को देखो, फिर एक जंगल में ले गए, देखे कैसे राधा रानी कमल फूल की सज्जा के ऊपर में लेटी हुई, राधा जी के शरीर में अगूर कर्पूर चंदन की लेप लगा रही है, लेकिन ऐसे कृष्ण विरह में विरहिणी राधा रानी जो कमल फूल की सज्जा एक मिनट में चुरचुर हो जाता है, शरीर में जो अगुर कर्पूर चंदन वो भी एकदम चुरचुर होते जा रहा है, इतने में कृष्ण मानो एक मधुकर बन करके आए, भौरा बन करके आए और राधा रानी के चरणों के ऊपर में बैठना चाह रहे, और राधा रानी बड़े मानिने होकर के कृष्ण को टेढ़ी मेढ़ी वचन बोले, खबरदार तुम अपवित्र लगता है, तुमने शराब पी करके आया है और मेरे प्यार के ऊपर बैठना छूना चाहते, खबरदार मेरे प्यार को मत छुया करो, तुम अपवित्र हो शराब पी कर रखे। बोले स्वामी ने शराब कैसे पी कर रखे, शराब नहीं पिया, तेरे अंदर में सारे शराब पीने का सारी लकड़ी दिखता है। बोले कैसे कैसे दिखता है, बोले तुमने मनाने के लिए आए ना, बोले हाँ मनाने के लिए आया हूँ, बोले मनाने के लिए क्या, ये यही ड्रेस है, देख तेरे मोच में क्या लगा हुआ, गोप में क्या लगा हुआ, जो लाल रंग आया कहाँ से। बोले श्री श्याम सुंदर गले में सुंदर फूलों की माला पहने हुए थे, कभी उन्होंने महिषियों से मिला, महिषियों का जो बख्य स्थल में कुमकुम है वो कुमकुम लगा हुआ किसी में, कभी ये माला में, और तुमने वो माला में बैठे तो तुम्हारी जो गोप है उसमें लग गया कुमकुम, मतलब तो मनाने के लिए आए हम लोगों को, लेकिन चिन्ह किया तुम्हारी गोप में, कहते इनकी महिषियों की बख्य स्थल का कुमकुम में है, ये कोई मनाने का तरीका है, शराब पिया नहीं तो कैसे। तो देख इंसान होते हैं दो प्यारे, जानवर होते हैं चार प्यारे, मिलते कितना भाई छह प्यार, तुम छह प्यार तुम्हारी, जानवर से भी तुम ज्यादा गया बीता है, इसलिए खबरदार तुम मेरे प्यार को छुआ मत करो, है मत छुआ करो हम अपवित्र हो जाएंगे, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जो वचन बोल रही थी। और कृष्ण की बल जो काले है ना
सत्ययुग में काला आया था, बोलो कौन? श्री वामन देव। उन्होंने बलि महाराज से केवल उन्होंने 3 पग जमीन मांगे और उन्होंने लेते समय तो संकल्प करते समय तो बौना रूप धारण करके आए, लेते समय में उन्होंने विशाल रूप धारण किया और विश्व ब्रह्मांड को नाप करके ले लिया और फिर क्या किया, लेते लिया फिर बलि महाराज को नागपास बंधन में बांध दिया। जैसे कौवे होते हैं ना, क्या करते हैं वो खाएंगे तो और का 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 करके ना सारे कौवा को बुला लेते हैं। अब कौवा को कोई चीज पे देखना वो तो ऐसे शब्द करके ना सारे कौवा इकट्ठे हो जाएंगे हैं और कहते खाते हैं और ठोकर मारते हैं। उसका सारे संपत्ति ले लिया वो काले एक आया वामन देव, फिर उसको नागभास बंधन में बांध दिया। तृतीय युग में भी काला आया, बोले कौन? बोले राम। वो आया गया जंगल में और सुपर्ण का देख रहे बागड़ी बन गई, बोले उसका कोई दोस्त थोड़ी था, तुमने इतने सुंदर रूप क्यों बनाया था? तभी तो वो आकर्षित हुआ है ना, अगर तुम इतने सुंदर नहीं बनता तो वो आकर्षित ही नहीं होता हैं। इसलिए फिर क्या किया, भाई भैया शादी नहीं करना मत करो, लेकिन उसका नाक कान काट दिया। एक स्त्री का अगर कोई नाक कान काट देगा दुनिया में उसको फिर कोई पूछेगा? दुनिया में कोई पूछेगा नहीं उसको हैं। इसलिए जितने काले हैं ना, फिर उन्होंने क्या किया, मतलब बंदर का कोई नहीं बंदर को मारते हैं, उन्होंने बाली को भी मारा। अभी वही काला है, कृष्ण भी काले हैं, ये जितने काले हैं ना सब धोते हैं। इसलिए काले की बात मेरे पास में मत कहा करो। और ये काला की जो एक बार बात सुन जाते सुन लेते हैं ना हैं, एक बार अगर ये काला की कोई अगर अपना कानों में अगर काला की कोई बात पड़ जाए कथा सुन लेना, भिक्खु सज्जा चरती, सब घर बार दुकान सब छोड़ करके साधु बन जाते हैं। बोले तो तुम लोग जैसे बूढ़ मुड़ा है भाई सन्यास क्यों? किस लिए? बोले कृष्ण की कथा सक्रिय ददन विभूत, मतलब एक बार अगर उसके कान में कथा पड़ी गई ना, बगल में भागवत दबा कर बोले भागवत कथा सुनाएंगे, पैसा की जरूरत नहीं, बिना फ्री के बांस कथा सुनाते 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 सब उसी कथा सुनने से पागल बन जाते हैं। पागल बन करके क्या करते हैं, सब वृंदावन में जाकर के भिक्षु सज्जां चरन्ति, दरवाजा दरवाजे में जाकर के माधुरी खाते हैं और दिन भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 दिन भर भजन करते। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं बल्कि ये सब जो स्थिति है, बल्कि इनकी स्थिति देख करके उद्धव जैसे व्यक्ति क्या कहते हैं, अगर जगत में किसकी जीवन धारण करना सार्थक है ना, ये ब्रज गोपी होंगे। इनके अंदर में जो दिव्य भाव है, जिस भाव को ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव आदि भी जिनकी भाव को प्रार्थना करते हैं, हैं? जीवन धारण करना इन्हीं का ही सार्थकता है, इनके अंदर में जो भावना है। कहते ये जितने ये सब चीज है किस कौन सा अवस्था में, कहते विरह अवस्था में ही ये जितने भाव सब विरह अवस्था में ये सब भाव प्रकट होता है, मिलन में नहीं होता। इसलिए कुछ ऐसे संप्रदाय हैं वो मिलन को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, हर्ष में राधा कृष्ण का विवाह करवाते हैं, इनका शादी 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 हैं मिलन। लेकिन महाप्रभु क्या शिक्षा देने के लिए आए, विप्रलंब भाव। विप्रलंब भाव में क्या होता है, हर समय उनके चिंतन करते 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 उस चिंतन में संपूर्ण डूब जाते हैं, ये विप्रलंब रसी। इसलिए महाप्रभु यही चीज को आस्वादन करने के लिए आए थे। अभी महाप्रभु उसी भाव में विवाहित तो होकर के दिन रात हा कृष्ण करते करते महाप्रभु पछाड़ खाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी लौट बोट खाते हैं और उसी भाव में महाप्रभु अभी दिन रात उसमें डूबे हुए हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। इसलिए महाप्रभु अभी इसी भाव में डूब करके कहते मैं और घर में नहीं जाऊंगा, अभी तो मैं वृंदावन जाऊंगा। महाप्रभु रात को बोल मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वृंदावन के लिए तैयारी हो गई गया से। इतने में आकाशवाणी हुई, बोले हे प्रभु अभी वृंदावन जाने का अभी समय नहीं हुआ है, अभी आपका बहुत काम है। हम जगत में जो आए हो ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जो प्रेम के लिए तरसते हैं, वो प्रेम को आप देने के लिए जगत में आए हो, अभी वृंदावन जाने का समय नहीं प्रभु, अभी धीरज धारण करो, धीरज धारण करो, अभी कहाँ पर वापस जाओ।
वो नवद्वीप में वापस चले जाओ। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी सुन करके महाप्रभु वहीं पर रुक गए। अभी महाप्रभु कहाँ गए उसको बाद में महाप्रभु श्री नवद्वीप धाम में वापस आए। फिर वापस आकर क्या करते हैं हरी कथा को हम कल सुनेंगे। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, हिताय गौर ब्रह्मानंदे हरि। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि, राधारमण हरि गोविंद जय जय, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल 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 hari bolo bolo hari bolo bolo hari bolo bolo hari bolo bolo hari bolo bolo
गोविंद राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी विजय नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद यशोधर सदेश्वरी कृष्ण माध भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज विजय नितलीला प्रविष्ण भक्ति प्रज्ञान किशोर गोस्वामी महाराज विजय नितलीला प्रविष्ण भक्ति वृद्धांत बाम गोस्वामी महाराज विजय भक्ति सिद्धांत सरगुरु गोस्वामी प्रभुपाद विजय सपरिकर गौर हरि विजय अनंत गौर भक्त बृंद विजय समागत गौर भक्त बृंद विजय गौर गुरु नानक